छत्तीसगढ़ में पुलिस की सख्ती, गांजा तस्करों पर बिजली बनकर गिर रही है। बस्तर के गोंडा गांव में पुलिस ने 2,10,00,000 का गांजा पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और खरीद फरोख्त के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत पूरी मुस्तैदी के साथ कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कोडा गांव पुलिस ने गांजा तस्करों की चाल नाकाम करते हुए नारियल से लदी गाड़ी में 2,10,00,000 रुपए कीमती गांजा बरामद कर तस्करों को दबोचा है। कोंडागांव एसपी दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में लगातार अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर कोंडागांव के मर्दापाल चौक पर सफेद रंग की नारियल से भरी मेटाडोर को नाकाबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें सफेद रंग की प्लास्टिक की 38 बोरियों में 206 गांजा पैकेट बरामद किए गए, जिनकी मात्रा लगभग 1,050 किलो और अनुमानित कीमत 2,10,00,000 बताई जा रही है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राज्य गांजा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई में कल कोंडागांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करीब 2,10,00,000 का गांजा जब्ती हुआ है। गांजा करीब 1,050 किलो गांजा प्राप्त हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश से हरियाणा जा रहा था। आरोपी हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं, जो आंध्र प्रदेश गए थे और नारियल की बीच में, नारियल को परिवहन करने की आड़ में उसके अंदर गांजा छुपाकर आंध्र प्रदेश से हरियाणा ले जा रहे थे, जो कि कोंडागांव पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। रायपुर से ईएमएस टीवी के लिए सत्यप्रकाश दुबे की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।